अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आवारा गर्दी में एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर खिदमत हैं। आजकल मैं अपने गांव में मौजूद हूं और इस वक्त मैं अपने चचाजाद के डेरे पर मौजूद हूं, जहां पे उसने मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत पौधों और दरख्तों का एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सेटअप लगाया हुआ है। यह वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर और कमेंट्स ज़रूर करने हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यकीनन हमारा ग्रे फ्रूट तैयार हो गया खाने के लिए। हम ग्रे फ्रूट खाएँगे और आपको जाने जा साहब का सेटअप दिखाएँगे। हमारे साथ रहिएगा। बड़ी खूबसूरत चीज लग रही। मूवी फैक्स हर रात ही रानी रात दी रानी रात की रानी की तरह भी ये रात की रानी वो जो है। अच्छा। और रात दा राजा नहीं। वैसे होता है ना, रात दा राजा भी होता है, मैं सुनया हर बैठी। ये क्या चीज है? मरवा। सात जामन है। अच्छा खूबसूरती वास्ते होता है। अच्छा जी, वाह जी वाह। ये क्या चीज है? अस्सलाम वालेकुम। ये राधिया वाला केड़ा सी? अच्छा उस तो अगे आप जाना हूं। मरवा जी, ये एसो केरिया। ये किस वास्ते होता है? ये भी खूबसूरती वास्ते है। अच्छा, थलो के ऐसा उतला से। अच्छा, डिफरेंट कलर हैं जी इसके, अगर नजर आ जाए आपको तो। ये देखें एक दफा दोबारा करना ना जरा। हाँ ये देखें, डिफरेंट कलर हैं। तो ये खूबसूरती के लिए जो है वो घरों में लगाया जाता है। अच्छा जी, अरसीनिया ग्रे फ्रूट दिखाए सी यार, ग्रे फ्रूट देख लेने दोबारा। पक्का भी होना चाहिए ना? नहीं पक्के नहीं जी, ठंड पैनी है, असल खाना लाना होगा। अच्छा हाँ जी, आपको ग्रे फ्रूट का पौधा भी दिखाते हैं, उस पर ग्रे फ्रूट भी लगा हुआ है। ये देखें, खाना तो फिर एक दाना थोड़ा यार आएगा बस। केड़ा वेहला जे तो बहुत ही है, तो खिंची ना की जाया कर, पहले चेक करा केड़ा है वीडियो च। हाँ ओल वो पहले टूट के डिग पे। अच्छा जी अगे चलिए। ऐ की चीज है? ऐ ते भिंडी लग रही है। गुवारा, गुवारे दियां फलियां। क्या शानदार सब्जी पकती है अगर पकाने वाला हो तो, गुवारे की फलियों। हाँ,
चाइनीज तूत लें जी, शहतूत भी चाइनी आ गए हैं। ये चाइनी शहतूत हैं जी, चाइना के। इन्हों की खासियत है जी? ये तो लंबा शहतूत पेंद होएगा जी। अच्छा अच्छा, लंबा शहतूत, वो लॉन्ग जो होते हैं। ठीक ठीक ठीक। कचनार खाने वाली है ये, कचनार है जो, अगर इसकी किसी को पकाना आता हो ये, तो क्या कमाल की डिश है ये खाने के लिए। चैनी गोला अमरूद, और ये है जी चैनी गोला अमरूद। और ये बड़े खूबसूरत हैं, और ये जब लगते हैं तब भी बड़े खूबसूरत होते हैं, और जितने खूबसूरत लगते हैं उतने ही ये मीठे भी होते हैं। ये चैनी लेमन है, और इसकी खासियत यह है कि इसमें किसी किस्म का कोई बीज नहीं होता। ये भी है ना, इसमें फल लगा हुआ, ये अगर नज़र आ जाए। ये आम है, इसमें आपको लेमन लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। बारह तो रोके होया सी। ये गवारे की फलियां हैं, वो सब्जी जो हम खाते हैं फलियों। अभी तो मेरे ख्याल में नहीं लगी हुई, अब तो सीज़न। अच्छा अच्छा हाँ, वो ये देखें जी, ये लगी हुई है, ये देखें उसके सिरे पे जो है वो लगी हुई है, वो देखें, ये देखें ये सिरे पे लगी हुई है। नहीं बस ठीक है, चलें जी आगे। ये देखें ये खूबसूरत स्टेप बाय स्टेप पांडा फैक्स है, मार्केट में इसकी बड़ी डिमांड है। इस वक्त भाई ने बड़ा अच्छा सेटअप लगाया हुआ है, अल्लाह पाक बरकत दे इसके। वो ये स्टेप भी बड़ा खूबसूरत है, ये देखें जी, अगर आपको नज़र आ रहा हो वीडियो में, ये स्टेप बड़ा खूबसूरत है। फ्लैश पॉम इसका पत्ता काटा जाता है, जो फैशन में खूबसूरती के लिए इंटीरियर में यूज़ होता है। और लीची जी, हाँ जी लीची कहाँ पे हमारी, ये लीची है जी, पौधा है जो वीडियो रोक गई थी लीची। हाँ जी रात की रानी बड़ा पौधा है, वहाँ पे हमने पीछे छोटे पौधे देखे थे, ये बड़ा रात की रानी है। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा मशहूर कौन होती है। ये क्या था? मकई, पांडा फैक्स है ये वाला पौधा, तो साथ में मकई है जानवरों को जिसे चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें सिट्टा भी लगा हुआ, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो, ये देखें जी सिट्टा नज़र आ रहा है। अभी मेरे दूसरे खेतों में तो मकई पक के तैयार हो गई हुई है, इंशाल्लाह आज रात को हम खाएंगे उसे। ये देखें जी स्टेप काली फैक्स है, स्टेप के साथ, और साथ में गोल्डन है, इसके कलर से पता चल रहा है कि यह गोल्डन है, और साथ में ब्लैक है। आए जी आगे चलते हैं। ये मकई की छोटी फसल है, चरी है। अच्छा चरी है, ये चरी है, जानवरों को चारे के लिए इसका इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। ये देखें भाई का सेटअप पीछे रह गया, और ये समझ लें कि ये एक साथ एक तरह से चार दीवारी की हुई है भाई ने, बड़े बड़े पौधे लगा के, तो अंदर क्या है किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये चार दीवारी टाइप हर तरफ से उसने की हुई है, पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या सेटअप क्या कौन सा लगाया हुआ है। ये देखो बड़े बड़े पौधे लगाए हुए हैं, ताकि अंदर पता ही ना चले कि क्या है। तो आगे चलते हैं भाई का नया सेटअप जो है वो। ये देखें जी देसी नींबू, जिसे लेमन कहा जाता है, इसमें काफ़ी फल लगा हुआ, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। साथ में अमरूद के दरख्त हैं, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये बनी हुई है छोटी नहर सी, ताकि यहाँ पे बड़ी नहर से पानी आए, और वो फिर अपने दरख्तों को वक्तन फोक्तन लगा सकें। साथ में दरख्त हैं, और बहुत ही गर्मियों में गांव वालों को एसी की इसीलिए ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो मोस्टली जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं, और पता नहीं चलता गर्मी का। इस वक्त भी मौसम काफ़ी गर्म है आज, लेकिन
दरख्तों की वजह से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी हम ट्यूबरूज का जो ये देखें, ये तिलकन का दरख्त है, साथ में अगर आपको नज़र आ रहा हो तो साथ में उसने गुट्टी बनी हुई है और ये फिर एक अलग ही पौधा बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए होता है ना ये, हाँ डाइसिनिया, ये भी खूबसूरती के लिए बड़ा खूबसूरत पौधा है। ये देखें, ये डाइसिनिया है, ये भी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता है। अभी तो छोटा छोटा है तो, लेकिन बड़ा हो जाएगा। आगे ट्यूबरोज हैं जी, खुशबू इनकी क्या बात है। मैं कट्टे हुए ना दादा था, है ना, हाँ लाओ त्यार करांगे, अगे लाओ त्यार होगा। क्या खुशबू होती है इनकी, बहुत ही ज़्यादा मशहूर खुशबू। और अभी प्लान कर रहे हैं दोनों साथ वाले, ये ट्यूबरूज के साथ है। ओ क्या कहते हैं, ग्रेपफ्रूट। अभी दोनों डिसाइड कर रहे हैं, बाकी मेरे साथी के ग्रेपफ्रूट के साथ इंसाफ करें तो वो ग्रेपफ्रूट को चीरा लगाने लगे हैं। हम पानी में भी गिरे थे। अच्छा जी, जी राती इन तस्वीर खिंचवाण का बड़ा शौक चढ़िया सी, डिग भी पिया, डिग मैं पता नहीं सी पानी लगा हुआ अंदर, ये भज के होया कि मेरी तस्वीर खिंच के बाद पता चलिया पानी लगा हुआ सी तो फिर देखता फिर कि मेरे नाल की होया। ये जी जनाब हमारे जाद साहब हैं, मेरे चाचा के बेटे हैं और अभी हम इन्हीं के डेरे पे मौजूद हैं। और ये मेरे फोटोग्राफर हैं, इनको कुछ भी नहीं आता, कोई तस्वीर बनानी नहीं आती, अपनी तस्वीरें बनवाने के लिए साथ आए हैं कि मेरी बस बनाते जाओ। और ये वो ग्रेपफ्रूट है जिसको इसी बंदे की नज़र लग गई है और इसी का अभी हम जो है वो कला कमा कर रहे हैं। ऑपरेशन ही समझ लो, बेचारे का ऑपरेशन ही हो रहा है इस टाइम पर।